नमस्कार, आज हम ध्वनि तरंगों की चाल स्पीड ऑफ साउंड वेव इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो ध्वनि तरंगों की चाल क्या होता है ये जानने का प्रयास करते हैं, ध्यान से सुनेंगे। एक संपीड़न या एक विरलन द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को तरंग की चाल कहते हैं। अर्थात ध्वनि तरंगों की चाल जो है स्पीड ऑफ साउंड वेव, एक संपीड़न या एक विरलन द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को तरंग की चाल कहते हैं। जैसे हम जानते हैं कि चाल बराबर दूरी बटा समय, ठीक। तो एक दोलन अर्थात वो एक चक्कर, जैसे एक दोलन का मतलब होता है ये यहाँ से जैसे शुरू होता है, तो ये मान लो वस्तु का घनत्व है और ये दूरी है, तो एक दोलन जैसे ये पहुँचता है तो इसका एक दोलन हुआ, यहाँ से शुरू हुआ, ये पहुँच करके फिर यहाँ आया, तो ये एक दोलन हुआ, ठीक है। तो एक दोलन पूर्ण करने में तरंग द्वारा चली गई दूरी का मान यानी तरंग दैर्ध्य लैम्डा के बराबर एवं समय आवर्तकाल टी के बराबर होता है, ठीक है। अतः यहाँ वी बराबर लैम्डा बटा टी होगा, ठीक है। फिर चूँकि एन बराबर एक बटा टी, अर्थात ये एन आवृत्ति है, आवृत्ति एकांक समय यानी 1/T उसका आवर्तकाल टी होता है, ठीक है। फिर यहाँ देखेंगे, यहाँ वी चाल को बताया गया, चाल बराबर लेमडा बटा टी हुआ है, तो ये चूँकि आवृत्ति एन बराबर एकांक समय बटा आवर्तकाल, उसके बाद अतः चाल बराबर आवृत्ति इंटू दूरी का जो मान है वो तरंग दैर्ध्य है एन इंटू लेमडा, अर्थात चाल बराबर आवृत्ति गुणा तरंग दैर्ध्य होता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ध्यान रखने वाली जो बात है वो ध्वनि तरंगों की चाल केवल माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करती है, न कि उसके तरंग दैर्ध्य या आवृत्ति पर, ये भी ध्यान रखेंगे, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं हम श्रव्यता प्रास हियरिंग रेंज। तो मनुष्यों में ध्वनि की जो श्रव्यता है उसके आधार पर इसे तीन भागों में बांटा गया है। जो पहला है श्रव्य ध्वनि, ऑडिबल साउंड, अश्रव्य ध्वनि, इंफ्रासाउंड, पराश्रव्य ध्वनि या पराध्वनि, अल्ट्रासाउंड। तो यहाँ पर हम देखते हैं पहला श्रव्य ध्वनि। तो हम सभी आवृत्ति की ध्वनियों को नहीं सुन सकते। मनुष्यों में ध्वनि की श्रव्यता का प्रास अर्थात जिसे हम सुन सकते हैं लगभग, वो सुन सकते हैं वो है लगभग 20 हर्ज से 20,000 हर्ज अर्थात 20 किलो हर्ज तक का होता है, ठीक है। 5 वर्ष से कम आयु के बच्चे तथा कुछ जंतु जैसे कुत्ते हैं वो 25 किलो हर्ज तक की ध्वनि को सुन सकता है। इसके बाद अश्रव्य ध्वनि इंफ्रासाउंड, ये 20 हर्ज से कम आवृत्ति की ध्वनियों को अश्रव्य ध्वनि इंफ्रासाउंड कहते हैं, 20 हर्ज कम। जैसे भूकंप के समय पृथ्वी के भीतर तरंगे, रासायनिक तथा नाभिकीय विखंडन में उत्पन्न ध्वनियाँ आदि, यदि हम अश्रव्य ध्वनि को सुन पाते तो हम किसी लोलक के कंपनों को उसी प्रकार सुन पाते जैसे कि हम किसी भंवरे के पंखों के कंपनों को सुन पाते हैं। पराश्रव्य ध्वनि या पराध्वनि अल्ट्रासाउंड जो होता है वो 20 किलो हर्ज से अधिक की आवृत्ति की ध्वनियों को पराश्रव्य ध्वनि या पराध्वनि कहते हैं। डॉल्फिन, चमगादड़ जैसे कुछ जंतुओं के द्वारा पराध्वनि उत्पन्न की जाती है। ये शलभों या कीट पतंगों के श्रवण इंद्रियां अत्यंत सुग्राही होता है। ये चमगादड़ों द्वारा उत्पन्न ध्वनि या चमगादड़ जो है उसके द्वारा उत्पन्न उच्च आवृत्ति की ची ची की ध्वनि को सुन सकते हैं। उन्हें अपने आसपास उड़ते हुए चमगादड़ के बारे में जानकारी मिल जाती है और इस प्रकार से हमको पकड़ने से बचा पाते हैं। तो ये 3 प्रकार की ध्वनि है जो श्रव्यता प्रास ध्वनि में।
यहाँ पर देखते हैं प्रश्रव्य ध्वनि का अनुप्रयोग। तो प्रश्रव्य ध्वनियाँ उच्च आवृत्तियों की तरंगे हैं। ये ध्वनियाँ अवरोधों की उपस्थिति में एक निश्चित पथ पर गमन कर सकती है। उद्योगों तथा चिकित्सा के क्षेत्रों में प्रश्रव्य ध्वनि का वृहद रूप में उपयोग किया जाता है। प्रश्रव्य ध्वनि प्राय उन भागों को साफ करने में उपयोग की जाती है जिन तक सामान्य विधि से पहुंचना कठिन होता है, जैसे विषम आकार के पुर्जे, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण आदि। जिन वस्तुओं को साफ करना होता है उन्हें साफ करने वाले विलयन में रखते हैं और इस विलयन में प्रश्रव्य ध्वनि तेजी जो है वो तरंगे भेजी जाती है। उच्च आवृत्ति के कारण वो धूल, चिकनाई तथा गंदगी के कण अलग होकर नीचे गिर जाते हैं। इस प्रकार वस्तु पूर्णतः साफ हो जाता है। जो पराध्वनि का उपयोग धात्विक पिंडों में छुपी दरारों तथा उसके अन्य दोषों का पता लगाने के लिए भी किया जाता है, जैसे इकोकार्डियोग्राफी के रूप में भी पराध्वनि का उपयोग किया जाता है। इस तकनीक में पराध्वनि रंगों को हृदय के विभिन्न भागों से परावर्तित कराकर हृदय के कंपन का जो प्रतिबिंब है वो बनाया जाता है। फिर देखते हैं अल्ट्रासोनोग्राफी। ये नाम भी सुने होंगे। अल्ट्रासोनोग्राफी क्या होता है? पराध्वनि या अल्ट्रासाउंड संसूचक या अल्ट्रासोनोग्राफी, ये सब एक ही नाम है, एक ऐसा यंत्र है जो पराध्वनि तरंगों का उपयोग करके मानव शरीर के आंतरिक अंगों का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। यानी मनुष्य के आंतरिक जो अंग है उसका प्रतिबिंब प्राप्त करने का एक यंत्र है अल्ट्रासोनोग्राफी। ठीक, इस संसूचक से रोगी के अंगों जैसे यकृत है, पित्ताशय है, गर्भाशय है, गुर्दे आदि का प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है तथा पथरी व विभिन्न अंगों के ट्यूमर का पता लगाने में सहायता करता है। इस तकनीक में पराध्वनि तरंगे शरीर के ऊतकों का मन करती है तथा उस स्थान से परावर्तित हो जाती है जहाँ ऊतक के घनत्व में परिवर्तन होता है। ठीक है, तो इस प्रकार इसका उपयोग करते हैं। इसका उपयोग गर्भकाल में भ्रूण की जांच, उसके जन्मजात दोषों तथा उसकी वृद्धि की अनियमितताओं का भी पता लगाया जा सकता है। पराध्वनि का उपयोग गुर्दे की छोटी पथरी को, बारीक कणों को तोड़ने के लिए भी किया जाता है। इसके बाद देखते हैं सोनार। सोनार का फुल फॉर्म है, सोनार का पूरा नाम है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। ठीक है, सोनार का पूरा नाम है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। ठीक, तो ये होता क्या है कि ऐसी युक्ति है जिसमें जल में स्थित पिंडों की दूरी, दिशा तथा चाल मापने के लिए पराध्वनि तरंगों का उपयोग किया जाता है। इस यंत्र में एक प्रेषित्र ट्रांसमीटर एवं एक संसूचक रिसीवर होता है और इसे किसी नाव या जहाज के अनुसार लगाया जाता है। प्रेषित्र पराध्वनि तरंगों उत्पन्न करता है और उसे प्रेषित करता है। ये तरंगे जल में गमन करती है तथा समुद्र तल में पिंड से टकराने के पश्चात परावर्तित होकर संसूचक द्वारा ग्रहण कर विद्युत संकेतों में परिवर्तित की जाती है। प्रेषक संसूचकों के बीच समय अंतराल ज्ञात कर पिंड की दूरी की गणना की जा सकती है, है ना। तो माना कि पराध्वनि संकेतों के प्रेषण तथा अधिग्रहण में लगा समय को हम टी मानते हैं तथा समुद्र जल में ध्वनि की चाल वी है। ठीक है, अतः संकेत द्वारा तय की गई कुल दूरी 2D होगी, यानी डी दूरी क्या होगा, दूरी जाना एवं डी दूरी आना है, यानी जितनी दूरी जाता है उतनी दूरी आता है। तो ये पूरा हो जाएगा समय बराबर दूरी बटा चाल होता है और ये समय बराबर जितनी दूरी जाना वहाँ से परावर्तित हो गया, साउंड परावर्तित होकर आया तो समय बराबर 2D/V, यानी है ना। अतः गहराई D/V/T2, ये क्यों हुआ, तो डी बराबर जो होता है VT, यानी V उसकी चाल गुणा समय बटे 2 हो जाएगा। ठीक है, जैसे सोनार का जो उपयोग है जैसे जहाज में है, ठीक है, जहाज वाले में इसका करते हैं उपयोग, तो सोनार है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग का उपयोग। तो ये जहाज है, यहाँ पर नाव या जहाज, पानी की ये सतह है, ये संसूचक है डी, और
ये प्रेषित यंत्र है, संसूचक यंत्र है और ये प्रेषित यंत्र है। यहाँ से साउंड गया और यहाँ किसी पिंड से या किसी वस्तु से टकरा कर पुनः फिर से वापस आता है, ठीक है। तो ये समुद्र तल है, उससे टकरा करके तो वहाँ से उसको पता चल जाता है कि वो सामने वस्तु है।